न्यूज भारत 24 चैनल के चीफ एडिटर रवि दीक्षित द्वारा स्वयं मेरे द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय श्री सिन्हा शाह साहब को जो है दिया जा रहा है। यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आजमगढ़ जनपद के मशहूर एडवोकेट शिव भक्त पद्मनाथ श्रीवास्तव अंजु श्रीवास्तव के आवास पर न्यूज भारत 24 के प्रधानन संपादक रवि दीक्षित, राष्ट्रीय संरक्षक साहित्यकार संजय पांडे द्वारा न्यूज भारत 24 के तरफ से प्रशस्ति पत्र एवं एडवोकेट सन्मार्ग के ब्यूरो चीफ पद्मनाथ श्रीवास्तव द्वारा अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में साहित्यकार संजय कुमार पांडे को वरिष्ठ पत्रकार नाथ सहाय द्वारा सम्मान पत्र एवं एडवोकेट पद्मनाथ श्रीवास्तव द्वारा अंगवस्त्रम, गायक कलाकार राजेश रंजन द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। अपने सम्मान से अभिभूत श्रीनाथ सहाय द्वारा एडवोकेट पद्मनाथ श्रीवास्तव की घोर घोर प्रशंसा की और कहा कि आपके द्वारा जो यह कार्यक्रम कराया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। समाज सेविका अंजु श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का स्वागत और अभिवादन किया। वही आए हुए सभी पद पर साहित्यकार कलाकार को माला भेंट करते हुए सभी के प्रति आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर माता सावित्री देवी श्रीवास्तव ने भी एक दूसरे को अबीर लगाकर अपना आशीर्वाद दिया। पद्मनाथ श्रीवास्तव के पूरे परिवार के लोग गले से गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। जो आज के दौर में गंगा जमुना की तहजीब सिखाता है वही आपसी प्रेम, सौहार्द, जातिवाद को छोड़कर आपसी प्रेम बना रहे। सभी एक दूसरे के गले मिलकर अबीर लगाकर होली की बधाई दी। वही न्यूज भारत 24 के चीफ एडिटर श्री रवि दीक्षित, टीवी न्यूज भारत 24 के राष्ट्रीय संरक्षक संजय पांडे, साहित्यकार को माला पहनाकर स्वागत किया गया। वही अंगवस्त्रम सम्मान पत्र देकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम के अतिथि मुख्य अतिथि श्रीनाथ सहाय को वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते साहित्यकार संजय कुमार पांडे एवं एडवोकेट पद्मनाथ श्रीवास्तव, समाज सेविका अंजु श्रीवास्तव ने माला फूल देकर अंगवस्त्रम देकर स्वागत किया। न्यूज भारत 24 के चीफ एडिटर रवि दीक्षित ने भी बाबू श्रीनाथ सहाय को माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं राष्ट्रीय संरक्षक संजय पांडे ने आपसी प्रेम, सौहार्द बने रहने से मित्र को भगवान को परिस्तन कर सकते, समाज सेवी अंजु श्रीवास्तव ने सभी का स्वागत पर सभी का अभिवादन किया। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मशहूर युवा एडवोकेट सनमार्ग के चीफ ब्यूरो की आवाज पर वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय श्री सिन्हा सहाय द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र देकर और हमारे छोटे भाई सनमार्ग के ब्यूरो चीफ पद्मनाथ श्रीवास्तव जी द्वारा मुझे अंग वस्त्र देकर और हमारे छोटे भाई जो कि प्रशस्ति चैनल एडिटर इन चीफ न्यूज भारत 24 द्वारा और हमारे गायक कलाकार राजेश रंजन द्वारा, हमारी छोटी बहन समाज सेविका अंजू मैम द्वारा मुझे माला पहनाकर और माला देकर सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं जो है अपने छोटे भाई पद्मनाथ जी का और जो है माननीय सहाय साहब का मेरा सौभाग्य है जो कि सहाय साहब के द्वारा मुझे यह प्रशस्ति पत्र दिया गया। अनंतपुरा कटरा में हमारे पारिवारिक सदस्य सनमार्ग के ब्यूरो चीफ एडवोकेट आदरणीय पद्मनाथ श्रीवास्तव के आवास पर होली मिलन समारोह के माध्यम से हम लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद हम लोग को बचपन से मिल रहा है, वो हम लोग के पिता तुल्य हैं और पिता की तरह उनका आशीर्वाद और छत छाया हमारे ऊपर जो है बराबर रही। हमारे से तमाम जिले के साहित्यकारों को, पत्रकारों को, कलाकारों को, कलाकारों को बराबर उनका आशीर्वाद रहा हमारे बीच में, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कई संस्थाओं के अध्यक्ष, कई संस्थाएं आपके छत छाया में जो है आगे जाने का काम कर रही है। वह शख्सियत आदरणीय श्री श्री सिन्हा शाह साहब हमारे बीच में आ गए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। मैं